नमस्कार दोस्तों, मैं पेरेंट्स का भी नमस्कार करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप जान ही रहे हो इस वीडियो क्यों देख रहे हो। इट इज़ द लास्ट डायलॉग बिटवीन मी एंड यू गाइस बिफोर दिस जेई एडवांस 2019। ठीक है जी, क्यों मैं आपके सामने खड़ा हूँ उसी पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी सिर्फ हमारे पास 5 दिन रह गए हैं। वेडनेसडे को वीडियो देख रहे हो आप, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 5 डेज बचे हैं हमारे पास एग्ज़ाम से पहले। तो ये जो 5 दिन होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट 5 दिन ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जो आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से भी मेहनत कर रहे हो, 5 दिन के अंदर उसको बहुत ऊंची हाइट तक भी ले आया जा सकता है और 5 दिन में उसको भस्म भी किया जा सकता है। आप समझना इन बातों को जो है, क्योंकि ये 5 दिन बड़े एक तरह से क्या है कि एंग्जाइटी से भरे हुए हो जाते हैं। क्यों एंग्जाइटी से भरे हुए जाते हैं? क्योंकि एक जो हम ह्यूमन मतलब लाइफ होती है, या एक बच्चा होता है यंग एज में, या यंग मैन होता है, तो उसके माइंड में क्या होता है या उसके साथ क्या होता है, उसकी एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में प्ले करती है। अब एक डायमेंशन जो है हमारा क्या है कि हमारा माइंड है कि जो कि अलग तरीके से सोचता है, एक हमारी विजडम है। तो हमारी एनर्जी कुछ माइंड में जा रही है, हमारी एनर्जी कुछ विजडम में जा रही है। विजडम कह रही है यार ये हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, और हमें बेस्ट से बेस्ट करना है। विजडम कह रही है कि यार बेस्ट ही होने वाला है क्योंकि हम 2-3 साल से बहुत डेडिकेटेड हैं इसके लिए, और पीछे मुड़ के देखें तो अभी 1-1.5 महीने से तो हमने दिन रात एक कर रखी है। ये विजडम कह रही है। विजडम ये भी कह रही है कि यार चीज़ें अच्छी ही होंगी, लेकिन इतने में वो जो एनर्जी कुछ माइंड में चली जाती है। माइंड जिसे आप जानते हो, जिसका साले को दिन ही माननी होता है, जिसकी नेचर ही होती है वो हमेशा पास में पड़ा होता है, पास में पड़ा होता है। माइंड की एक और नेचर होती है कि पास की भी जो क्या करता है, पुरानी जो नॉस्टैल्जिक नेचर है माइंड की, उसके अंदर भी क्या करता है, साला घटिया घटिया बातें निकाल के लाता है। यार तो याद है जेई मेंस का एग्जाम हुआ था, वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, जनवरी का भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है जी, अप्रैल का भी अच्छा नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन पहले बिट्स का एग्जाम दे के आए हैं, यार मैंने सोचा था मेरे जो है कि 350 नंबर आ जाएंगे, मेरे तो 320 नंबर ही आए हैं। माइंड की नेचर ही होती है मेरे दोस्तों, क्या होता है कि घटिया बातों को साला याद करता है। तो अभी क्या करना है, अभी जो 5 दिन के अंदर हाउ टू कॉन्कर दिस डायमेंशन ऑफ माइंड जो हमेशा बेकार की नेगेटिव बातें करता है, जो एंग्जाइटी का फूड बन जाता है। एंग्जाइटी इज वेरी नेचुरल, एंग्जाइटी इज वेरी नेचुरल जो है, ठीक है, इतनी ज्यादा नेचुरल है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिना। यार 2 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 5 दिन रहेंगे एग्जाम का, इट इज वेरी नेचुरल एंग्जाइटी होगी। नेचुरल, बहुत ही नेचुरली होता है। आदमी कोई भी चीज होती है, यार सुबह आपकी टिकट बुक है, आपको 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है, रात को सोचते हैं एंग्जाइटी है कि यार 4 बजे उठ के एयरपोर्ट पे और जल्दी जाना पड़ेगा, 3 बजे उठ के एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले जाना है। सो नेचुरल यार, सो नेचुरल एंग्जाइटी है। तो वो क्या होता है, एंग्जाइटी को जब एक्स्ट्रा फूड मिल जाता है ना, एंग्जाइटी एनवायरमेंटली बदल जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपके सामने थोड़ी देर बातचीत कर रहा हूँ, मुझे आखिरी डायलॉग लग रहा है, ठीक है जी। विद्यामंदिर के बच्चे तो मेरी शक्ल देख के परेशान हो गए होंगे, लेकिन ये हम आज इन जनरल सभी बच्चों से बात कर रहे हैं जो इस साल 2019 के अंदर जेई एडवांस देने के लिए अभी तैयार खड़े हैं। और दोस्तों ध्यान दें, ये 5 दिन बड़े क्रूशियल है। जैसे मैंने कहा था, अगर आप माइंड को थोड़ा सा मतलब जो है बहुत उसकी बातों में आ गए, उसके फुसलावे में आ गए, ठीक है जी, तो ये 5 दिन में जो चीज़ें खराब की जा सकती हैं, अच्छी तो नहीं की जा सकती, खराब ज़्यादा की जा सकती हैं। तो हमें इस माइंड को कॉन्कर करना। तो आप देखें माइंड की नेचर, जो मैंने बताया कि नॉस्टैल्जिक होती है, हमेशा पुरानी चीज़ को वो याद दिलाएगा, घटिया चीज़ों को। और आपको विजडम से करना है कि यार बोर्ड का एग्जाम हुआ, जेई मेंस का जनवरी का एग्जाम हुआ, जेई मेंस का आपका अप्रैल का एग्जाम हुआ, वाट एवर वॉज द रिजल्ट, वो तो हिस्ट्री हो चुकी है ना। जो भी आपका अभी VIT एग्जाम हुआ, या जो अभी ज़्यादातर बच्चे बिट्स का एग्जाम दे चुके हैं, जो हुआ से हुआ ना। अब हमें क्या करना है कि भाई जो 5 दिन है फ्यूचर, जो 5 दिन है उसको अभी पुरानी चीज़ों को भुला के, पुरानी चीज़ों की पॉजिटिव डायमेंशन को लेके कि मैं किस टाइप की गलती करता था, मैं क्यों नर्वस हो गया था, मैं क्यों एग्जाम से पहले सो नहीं पाया था, उन चीज़ों को ठीक करके और अभी हम 4-5 दिन लाइफ को टोटेलिटी में जिए। तो क्या बातें रखनी है आपको 5 दिन के अंदर, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने। पहली चीज़, आप थोड़ा सा अपना बॉडी पर ख्याल रखो। आप थोड़ा सा क्या करो, बॉडी पर ख्याल रखो। बॉडी पे ख्याल रखने का मतलब क्या है कि आपने 2-3 साल से जो बॉडी पे टॉर्चर किया है, यार बॉडी खाना चाह रही थी आप बढ़ते रह गए, आप बॉडी सोना चाह रही थी आपने रात को मैगी नूडल बना के खा लिए, आप समझ रहे हो ना, बॉडी आपकी रेस्ट करना चाहती थी आपने उसको खड़े हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करे। तो अभी थोड़े दिन, 5 दिन थोड़ा उसका थैंक्स कर लेते हैं,
तो लाइफस्टाइल को जीते हैं कैसे, क्योंकि सारे जो अभी एग्जाम आपके हुए हैं सब आपने देखा होगा मॉर्निंग में किए, अब ये भी एग्जाम मॉर्निंग में आ रहा है, खासतौर से जेई में इसमें फिर भी ये ड्रामा था। क्या ड्रामा था, कुछ लोग दोपहर को एग्जाम पढ़ रहा है, कुछ लोग सुबह पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ लोग बिट्स में भी ये हुआ था, लेकिन अभी एडवांस एग्जाम सबका क्या है, 9 से 12 में या 2 से 5 के अंदर है। तो क्या करो, 5 दिन अपनी बॉडी को ट्यून करो। तो पहला आज का मेरा डिस्कशन क्या है कि बॉडी पे, तो बॉडी को जो है मतलब कैसे फिट करना है कि आप रात को थोड़ा सा टाइम से सो जाएं, 11 साढ़े 11 सो जाएं। अगर आपको 11:30 नींद नहीं आती है तो आप थोड़ा सा शॉवर ले लें और कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला दें, कोई भी अपना आपका यूट्यूब पे जाके म्यूजिक टू क्वाइटन माय माइंड या स्लीप थेरेपी का म्यूजिक आता है, 30 मिनट का होता है, 40 मिनट का, उसे चला दें, सो जाएं। और जरूर नहाने का मन नहीं है, पैर धोएं, मुंह धोएं वॉश करके, या कोई भजन टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंटल चला दें, आर्ट ऑफ लिविंग के मिल जाते हैं उसको चला दें, उसको सो जाएं। सुबह 6 बजे उठें, 2-3 अलार्म लगा के रखें, पापा मम्मी को भी कह दें अब मुझे 6 बजे उठना है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हमें बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक को और अपनी बॉडी की क्लॉक को फिट करना है। तो 6 बजे उठ जाएंगे तो आपको मालूम ही होगा 9 बजे सेंटर में पहुंचना है, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू रीच अराउंड 8। तो 8 बजे पहुंचने के लिए आपको क्या होगा, एक सेंटर से घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा। 7 बजे निकलने के लिए क्या होगा, आपको नाश्ता 7:45 खाना होगा। तो अभी 5 दिन रियल लाइफ को जिए, जैसे एवरीडे यू हैव टू सिट इन एन एनवायरमेंट जहां की 9 से 12 एग्जाम हो रहा है, 2 से 5 का एग्जाम हो रहा है, ठीक है जी। तो ये अगर इस तरह से करेंगे ना तो माइंड को एनर्जी नहीं देंगे, एनर्जी क्या देंगे, अपने प्रेजेंट के अंदर अपने डे टू डे लाइफ के जिएंगे, एज इफ वी आर लिविंग इन ए रिसॉर्ट लाइफ को जी रहे हैं। तो आप 6 बजे उठेंगे, थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा पानी पियेंगे 2-3 ग्लास, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करेंगे, वो कितनी बार आपको मालूम बता चुका हूँ, मैं भी पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी। और 7 बजे करीब नाश्ता खा लेंगे, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, आपका कोशिश करेंगे 8:30 बजे डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ जाएं, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है जी। उस पर 3 घंटे की सिटिंग करें, 3.5 घंटे की सिटिंग करें। सिटिंग में क्या कर सकते हैं वो मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, ठीक है जी। फिर इस तरह से रेस्ट करें, जब 12 बजे तक उठ जाएंगे जो एग्जाम होगा उस टाइम पर लंच की बात करें कि अर्ली लंच करें, क्योंकि नाश्ता आपने अर्ली किया हुआ है। फिर जाके आपका जो है आप बैठ जाएं, आपके करीब 1 बजे करीब बैठ जाएं, 1 घंटे का ब्रेक लें 12 से 1 बजे, फिर कुर्सी बैठ जाएं, फिर 4 घंटे के लिए बैठे रहें। फिर क्या करना है दोपहर को बता देता हूँ, ठीक है जी। शाम हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले, कोई म्यूजिक व्यूजिक चला दें घर में, 7:30 के पार्क में जाके वॉक कर ले, मम्मी से जाते हैं, पापा के जा सकते हैं, या अपना कोई छोटा भाई उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो पार्क में वॉक कर लेंगे, ठीक है, रात को जाके जो दिन में सारा कुछ काम किया उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे और फिर 11 बजे सो जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह लाइफ को जियोगे आप तो आपको नींद जो है ना 11:30 आ जाएगी, क्योंकि आपने दिन में बहुत अच्छे से लाइफ को जिया है। आप ध्यान से देखो, जब आपने अपने को माइंड को कहीं टाइम नहीं दिया, सुबह उठे आपने नाश्ता किया, ठीक है जी, 7:30 8 बजे बैठ गए, थोड़ा बैठेंगे पापा मम्मी से बात करेंगे, 8 बजे से 12 बजे तक बैठ गए और फिर 1 बजे से 4 बजे तक क्या करना है इन 2 सिटिंग के अंदर, आप क्या कर सकते हो, आईटी के पुराने पेपर कर सकते हो, मे बी 2018 का, 17 का, 16 का, 15 का, 4 दिन आपके पास है, 5वां दिन तो एक ऐसी मतलब मौज मस्ती के लिए होता है जो संडे होगा, ठीक है जी। पेपर 1 कर लिया, पेपर 2 कर लिया उसके अंदर, अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से कर लिए आईटी के तो आप जो अपने अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे जहां पर भी हैं उनको जाके रिवाइज कर लिया, उसमें देख लिया मेरी स्टेक क्या हुई है। बेसिकली यू आर सिटिंग ऑन द चेयर फ्रॉम 8 to 12 एंड 1 to 5, तो आपके पास माइंड को मौका ही नहीं मिला फालतू बात सोचने का, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से बात कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बात कर रहे हो। रात को जाके क्या कर लिया कि आपने देख लिया कि यार मेरे को लगता है फिजिक्स का करना है, चार दिन आपके पास, 1 दिन फिजिक्स से बातचीत कर लो, 1 दिन केमिस्ट्री से बात, 2 दिन केमिस्ट्री से बातचीत कर लो और 1 दिन फिजिक्स से बात कर लो। केमिस्ट्री के 2 दिन क्यों दिए, 1 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बातचीत कर लो, ये रात को बैठ के कर सकते हो। अगर आपको लगा है कि 8 से 12 बजे आपने दोनों पेपर अच्छे से कर लिए हैं, फीलिंग हो गई है, तो 1 से 4 की सिटिंग के अंदर 2 घंटे केमिस्ट्री कर लो, 2 घंटे मैथ्स कर लो। अब इतने आप समझदार बच्चे हो गए हो, उसके अंदर मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, जो आपके प्लान है उसी को फॉलो कर लो। मेरे को सिर्फ ये है कि जो एंग्जाइटी है ना, जो नेचुरल है ना, वो एबनॉर्मल ना हो जाए, और एबनॉर्मल जब होती है जब माइंड उसको फूट जाता है। माइंड को मैंने काम में लगा दिया 8 से 12 बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 5, और शाम को थोड़ा सा रेस्ट किया और रात को फिर जो है अपना करीब 7:30-8 बजे से लेकर 10 बजे तक लगा दिया, 3 सिटिंग हमने दिन में कर ली। समझ आ रही दोस्तों बात जो ये? तो इस तरह से बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि हाउ टू स्पेंड दीज 5 ईयर विथ फुल ऑफ एनर्जी, विद नो एंग्जाइटी या विद ए कंट्रोल्ड एंग्जाइटी, और चेयरफुल रहना चाहिए, जॉयफुल रहना चाहिए, इस तरह से क्या करें। दूसरा,
कि थोड़ा सा क्या है अपना जो जनरली हमने बॉडी का ख्याल रख लिया, सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, शाम को पार्क चले गए, मतलब जो है हाँ। दूसरा चीज, जब आप नाश्ता लंच और डिनर की प्लान करेंगे तो यू मस्ट ईट गुड फूड, यू मस्ट नॉट ईट आपका क्या जंक फूड। मैं देखो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ उस टाइम से, बिल्कुल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कैसे लाइफ स्टाइल को जीना है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ कि फूड पे ध्यान दो, क्योंकि जो हमारा मिजाज, जिसे उर्दू में कहते हैं मिजाज है, या मन कह दो हिंदी के अंदर, या जो एक अपनी फीलिंग होती है, वो काफ़ी कुछ मतलब जो हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है, इस यंग एज में क्या आता है, फूड से आता है। तो यू इंश्योर कि इन 5 दिन में अच्छा फूड खाना है। अब अच्छा फूड का मतलब नहीं छोला भटूरा खाना है, छोला भटूरा ड्राइस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा फूड का मतलब नहीं है आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वो एक तरह से क्या सात्विक फूड नहीं है, उसकी फूड की एनर्जी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वी मस्ट ईट एनर्जी फूड्स। एनर्जी फूड्स में क्या होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको ये 4-5 दिन के अंदर ये भी फील करना है फूड की, किस लंच को खा के मैं एनर्जी महसूस करता हूँ, 1, 2 से 5 की सेटिंग में मैं अच्छे से करता हूँ। और आपने हैवी सा खाना खा लिया, दाल चावल खा लो हल्का सा, थोड़ा सा नमकीन लस्सी पी लो आपका, जैसे छाछ बोलते हैं जब करके, ठीक है जी। शाम को आपने थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी पी ली, मैंगो शेक पी लिया, ऐसी फूड जिससे एनर्जी बने, जिससे थकान ना हो। ये नहीं आपने बहुत हैवी फूड सा खा लिया। आप नॉन वेज में चिकन खा लो जिसमें फैट नहीं है, आप बॉयल्ड एग खा लो, ये नहीं कि ऑमलेट में मक्खन डाल के खा रहे हो। तो यू मस्ट पे अटेंशन टू फर्स्ट पार्ट जो मैंने कहा, बॉडी, सुबह एक्सरसाइज, गुड क्वालिटी फूड, दूसरा थोड़ा मन को अच्छा करने के लिए गुड फूड। मन को अच्छा करने के लिए उसका फूड कौन सा होता है, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। जब भी आपका बीच में ब्रेक है, मतलब जो आपको मैंने कहा कि भाई 12 बजे बैठ के सिटिंग करोगे, 2 बजे तक कह लो या 1 बजे तक, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लिया। शाम को जब रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लिया। रात को तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है, कि एक छोटा सा कोई म्यूजिक लगा के, कोई म्यूजिक टू कार्टो या वर्ल्ड लगा के, मतलब जो यूट्यूब लगा के सो गए, वो होगा। क्योंकि म्यूजिक क्या करता है, आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको, जो इधर उधर चलती रहती है, उनको स्ट्रीमलाइन कर देता है। जब भी आपको शाम को टाइम मिले, थोड़ा फैमिली टाइम करके कुछ एनिमेटेड मूवीज वगैरह देख लो, फिर आप नोट कर रहे हो, बच्चे मैं पढ़ाई की कोई बात नहीं कर रहा, अब तो मैंने पढ़ाई की कोई बात नहीं करी। क्यों करूँ पढ़ाई की बात, क्योंकि आपने करा गया 2 साल तक, 3 साल तक करा गया, आपने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। तो अभी क्या है कि मतलब थोड़ा विश्राम करने का, थोड़ा रेस्ट करने का, रुक के देखने का है अपने आप को, कि अपनी बॉडी का ख्याल रखा जाए, अपने मन का ख्याल रखा जाए। अब मैं तो चाहता हूं कि आपके हेल्दी विचार आने चाहिए, लेकिन साला ये मन बड़ी कुत्ती चीज होती है, मेरा फेवरेट डायलॉग कुत्ती चीज, ये सोचेगा उठना कुछ ना कुछ। अच्छा, ये आपका मन नहीं सोचेगा, अब आप फैमिली में रह रहे हो, फैमिली में मम्मी को एंग्जाइटी होगी वो आप पे आ जाएगी, पापा की एंग्जाइटी आप पे आ जाएगी, और कोई छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी, ठीक है। ये तो मतलब, और अपने आप वैसे ही अपनी एक अपनी अंदर की भावनाओं के साथ आप जूझ रहे हो, ठीक है जी, बाहर की चीज़ आ जाएंगी, किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, उसकी एंग्जाइटी आप पे आ जाएगी। तो इस पीरियड में दोस्तों से ज़्यादा बात करनी ही नहीं है, जो है उन्हीं लोगों से बात करनी है जो बहुत अच्छे, कूल, काम और रिलैक्स टाइप के लोग हैं, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, बहुत मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, क्या करेंगे, जब भी आप सुबह पढ़ने बैठेंगे 8 बजे करीब, या फिर आप 1 बजे पढ़ने बैठेंगे, या रात के 7:30-8 बजे शाम को पढ़ने बैठेंगे, तो 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हाउ टू दिस, मतलब कंट्रोल योर माइंड, जो है कि डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, जो एनर्जी है ना वो बैलेंस में आ जाती है। जितनी माइंड को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी माइंड ले लेगा, ठीक है, और जितनी आपकी विजडम को चाहिए वो एनर्जी विजडम ले लेगा, ठीक है, बैलेंस एनर्जी आ जाएगी। और जब एनर्जी हमारी बैलेंस में हो जाती है तो माइंड में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी समझ रहे हो, फिजिक्स का प्रिंसिपल, एक स्टेबल चीज़ होती है। छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, बच्चों का खिलौना होता है ऐसे कोनिकल होता है, वो स्टेबल होता है, इधर गया तो इधर फिर लौट के इधर आया था, इधर गया फिर लौट के इधर आता है। स्टेबल जब माइंड हो जाता है, जब एनर्जी का एक प्रॉपर आपका डिसिपेशन हो जाता है, जो हमने कुछ फूड के थ्रू निकाल दिया, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू निकाल दिया, कुछ शाम को वॉक के थ्रू निकाल दिया, ठीक है, और पढ़ाई के थ्रू निकाल दिया, एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी और माइंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी। माइंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर वो एंग्जाइटी को देखता है, फेस करता है और उससे अफेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ बातें होती हैं मेरे दोस्तों, जो अभी हमेशा किसी भी मिशन के अंदर लास्ट के 5-6 दिन ख्याल में लेनी पड़ती है। अब मेरा एक जो एक्सपीरियंस है, वो लास्ट बात करता हूँ आपसे एक्सपीरियंस पे, कि जो टसल चलती रहती है हमेशा कि मन कुछ और कह रहा है, विजडम कुछ और कह रहा है, ये क्या होता है। या मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा अच्छा खासा बच्चे की तैयारी होती है, इंटेलेक्चुअली बच्चा बहुत होशियार हो चुका है, एकेडमिकली बहुत अच्छे से हो चुका है, 12th पास के बच्चे जो वीडियो जान रहे होंगे उनको याद आता होगा कि पिछली बार भी अच्छा सोच के गए थे, कुछ गड़बड़ हुई है। ये जिन बच्चों की तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है उनका फेलियर क्यों हो जाता है,
तो इस पे हम अंत में इस डिस्कशन के जो डायलॉग कह लो या डिस्कशन कह लो या हम सब मतलब सोच रहे हैं इन बातों को जो है उस पे आता हूँ, क्यों हो जाता है ऐसा? ये एक्चुअल में इसलिए हो जाता है, देखो उनसे बात ही नहीं कर रहे जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, वो तो एक जुआ खेल रहे हैं, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, बात हो रही सिंसियर बच्चों से जिन्होंने बहुत डेडिकेशन से मेहनत की है 2 साल 2.5 साल या 3 साल। होता क्या है कि एक तो नेचर होती है माइंड हमेशा चैलेंज देता है अपने आप को, तो लास्ट 5 मिनट 5 दिन के अंदर क्या होता है जब थोड़ी सी एंग्जाइटी है, नेचुरल एंग्जाइटी है, आप उसने फिर वही आगे फर्स्ट बात पे एंग्जाइटी को नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फेस नहीं कर रहे हो एंग्जाइटी को जो है, तो क्या होता है कि माइंड ना आपको चैलेंज देता है। तो एक जो होता है ना जैसे बचपन में मतलब या पहले बहुत रिवाज होता था हमारे टाइम में कि जो कोठियों में एक छोटा सा वो डॉग रखते थे, कुत्ता पालते थे, सिंपल भाषा में बात करें तो अपनी कोठी पे लिखते थे बीवेयर ऑफ डॉग, कि हमारे टाइम में क्या होता है बड़े खतरनाक कुत्ते पाले जाते थे, ये आपके छोटे से पग वगैरह ये छोटे छोटे कुत्ते जो होते हैं ना सुंदर सुंदर प्यारे पहले बुल्लू 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 ये नहीं होते थे, बड़े खतरनाक से अल्सेशियन जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते थे, तो वहाँ लिखा था बीवेयर ऑफ द डॉग्स इस कोठी में घुसने से पहले। तो मैं सोचता हूँ कि हमेशा आई वॉन्ट यू टू से दैट कि बीवेयर ऑफ योर ओन माइंड, बिवेयर ऑफ योर ओन माइंड, ठीक है जी, अपना आपका माइंड ही आपको कई बार धोखा दे जाता है। और होता क्या है, माइंड मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, किसी सीनियर आ रहा होगा उसने कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कुछ कह दिया, तो माइंड उसे कहता है यार देख यार यार देखिए क्या कह रहे हैं, और वो लोग सब आपसे भी ज्यादा एंग्जाइटी से अफेक्टेड है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्लिप दिखाओ पापा मम्मी को, आपसे ज्यादा एंग्जाइटी एंग्शियस पापा मम्मी है, वो कई बार जाने अनजाने आपको ये बातें कह देते हैं, यार पता नहीं देर क्या होगा, खुद डर रहे हो तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कह देते हैं, अब तुम्हारा माइंड क्या हो चैलेंज हो गया, तो आपने खुद ही अपने माइंड को चैलेंज कर दिया यार, दिस इज नॉट डन। तो माइंड को चैलेंज ना करना मतलब सबसे बड़ा अभी युद्ध होगा 5 दिन के अंदर। इसलिए डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, एनर्जी बैलेंस में आएगी, ये माइंड अपनी जितनी एनर्जी चाहिएगा उतनी लेगा, बची हुई एनर्जी आपके साथ रहेगी, विजडम पे रहेगी, विजडम एक्टिवेट रहेगी, विजडम माइंड पे राइड करेगा, ये माइंड है ये विजडम है इस पर राइड करेगा, राइड करेगा नहीं करेगा मतलब राइड करेगा, तो आप चीजें आराम से करो। दूसरा फेलियर क्यों होता है, दूसरा फेलियर ये होता है कि डिसइंटीग्रेटेड माइंड, टू मेनी माइंड, जैसे जैन फिलोसफी में कहते हैं क्या टू मेनी माइंड्स, कि एक इंसान जो होता है एक बच्चा खासतौर से यंग इंसान मत को बच्चा को आपकी बात कर रहा हूं, आपकी एनर्जी ज्यादा है, मेरी एनर्जी इतनी नहीं है, आपकी एनर्जी ज्यादा है, जितनी ज्यादा एनर्जी है उतना उसका क्या है कि चांस है कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में ज्यादा चली जाएगी, तो क्या होगा माइंड स्प्लिट हो जाता है। तो इसके लिए जैन में कहते हैं, जैन समझ गए, जापान का बहुत ही फेमस रिलीजन, टू मेनी माइंड्स, जैसे हमारा देसी नहीं होता है जो आपने कुकरी शो में कभी देखा होगा सुना होगा, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, तो टू मेनी माइंड्स क्या करते हैं, दे स्पॉइल योर जर्नी। तो व्हाट वी मस्ट हैव एट दिस मोमेंट, व्हाट वी मस्ट डेवलप इन 5 डेज, एन इंटीग्रेटेड माइंड, समझने की कोशिश करो, एन इंटीग्रेटेड माइंड इज लाइक अ लेजर बीम, तो वी मस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड। तो फिर मैं रिपीट करूंगा, जो ब्रीदिंग की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार बताता रहा हूं अपने जो भी वीडियो मैसेज में मैंने बोला होगा कि ट्राई टू डेवलप अ प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीदिंग। तो उससे क्या होता है, डीप ब्रीदिंग माइंड से क्या हो जाता है कि एनर्जी बैलेंस में जाती है। फिर रिपीट करूंगा, यार मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप छोटे बच्चे हो ना, यू आर जस्ट लाइक ए मिरर, यू आर वेरी इनोसेंट चाइल्ड, कहते हैं ना इनोसेंट चाइल्ड जो होता है उसका जो माइंड होता है मिरर के समान होता है, यू कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग व्हाट एवर आई से। यार आपने यहाँ पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए जा रहे हो, जो मैं बात बोलता हूँ आप रिफ्लेक्ट मुझे कर देते हो यार, इसलिए मुझे केवल बार बार रिपीट करनी पड़ रही है ये बातें जो है, आप नाराज नहीं होना और आखिरी बार आपको तंग कर रहा हूं, होपफुली समझने की कोशिश कर रहे हो बात को जो। तो अभी वी मस्ट डेवलप एन इंटीग्रेटेड माइंड, सिंगल डिटरमिन्ड माइंड जो है। तो जेन थ्योरी होती है कि आपका माइंड जो है ना डिसिपेटेड हो जाता है, टू मेनी माइंड जो है ना खबर, तो ये चक्कर होता है 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले 1 दिन पहले आपका माइंड स्प्लिट हो जाता है। ये उस तरह से है, मैं अपनी बात को क्लोज करूं जो है, कैसे होगा मैंने बताया ब्रीथ ब्रीदिंग से होगा। कैसे होगा, आप बैठे हो, माइंड की नेचर है सोचने की, अच्छे विचार सोचो, आप सोच रहे हो यार कि मैं ना 27 तारीख को एग्जाम देने जाऊंगा, अगर पेपर खराब हो गया तो क्या होगा। अरे मैं कह रहा हूं यार सोच रहे हो ना, अभी हुआ तो नहीं है, फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट, तो क्यों आप सोच रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी जो है आप सक कर रहे हो अपने माइंड के द्वारा कि फ्यूचर में भेज रहे हो, आपको यार मैं एग्जाम में बैठा हूँ सब क्वेश्चन हो रहे होंगे। व्हाई कांट यू हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाई कांट यू गिव सजेशन टू योर सेल्फ कि यार 27 तारीख को ठीक है, एक माइंड कहेगा आपका पेपर खराब हो गया तो क्या, खूब खराब होगा, क्यों खराब होगा यार, अच्छा खराब होगा तो पहले पेपर 1 खराब होगा, साला दूसरे पेपर में कवर कर लूंगा। अब माइंड कहेगा यार पहला पेपर खराब हो गया दूसरा कैसे अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी विजडम क्या कहेगी, इंटीग्रेट बन गएगा यार पहले खराब ही क्यों होगा, पहले तो
अच्छा खराब हो गया ना, सेकंड पेपर कर लूंगा, क्यों? ये एडवांस एग्जाम है। एडवांस के एग्जाम में क्या होता है, एक पेपर खराब हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पेपर को आप मैक्सिमाइज कर लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यार 40% में तो यार 5000 में रैंक आ जाता है, 50% में तो आप 3500 रैंक आ जाता है। यानी ये उस तरह का एग्जाम नहीं है जो जेई मेंस के अंदर हो गया कि भाई आपके नंबर 200 आ रहे हैं तो भी आपका 20000 रैंक आ रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है एडवांस एग्जाम, इट्स ए वेरी डिफरेंट एग्जाम, अच्छे से जानते हो आप। तो सारे 5 दिन के अंदर कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ विद अ गुड थॉट्स, या अगर आपकी नेचर ही है कि पुरानी चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो, कैसे आपका जो जनवरी का पेपर खराब हो गया था, आपने जबरदस्त तरीके की तैयारी करी, बोर्ड में 90% नंबर फोड़े आपने, फिर भी आपका मान लो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी अप्रैल के एग्जाम में, फिर आपने बिट्स का एग्जाम अच्छा किया। और आप सोचो जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिन्होंने यार अप्रैल का एग्जाम अच्छा नहीं किया, बिट्स का एग्जाम खराब हो गया, उनका रीजन यही रहा होगा क्या? टू मेनी माइंड्स, उन्होंने क्या होगा नेगेटिव थिंकिंग की होगी, और नेगेटिव थिंकिंग करते हो, रोते पिटते हो तो दूसरे भी आपको सपोर्ट करते हैं, यार ये बड़ी अजीब कंट्री है हमारा, रोते बच्चे को सब अटेंशन देते हैं और खुशी बच्चे से ईर्ष्या करते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, जो है आपको अटेंशन भी जब ही देते हैं मम्मी डैडी, जब रोते हो दुखी होते हो, अगर आप बहुत खुश हो तो आपको अटेंशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हालांकि क्यों खुश है आज ये, चुपचाप घूर के देखेंगे। मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं आपके, देखो आपका बच्चा दुखी होगा आप उसके पास जाओगे, तो कहने कारण क्या हो गया कि आपने जो अपना थोड़ा सा दुख को बढ़ा लिया, जो मैंने आपसे कहा था आपने एक अपने को पास के अंदर कन्वर्ट कर लिया, उससे पार नहीं आ पाए कुछ लोग, इसलिए गड़बड़ हो गया। लुकेंगे बढ़िया क्या बातें कर रहा है, बातें करनी बड़ी आसान होती है, साले को इसको एग्जाम देना है, अच्छा हम तो बिना एग्जाम देवे यहाँ खड़े हैं आज, हम तो बिना एग्जाम देवे सेलेक्ट हो गए आईटी के अंदर, ऐसे नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, इतने सारे बच्चों के बात कर करके आपसे बोल रहा हूं कि यार कि ये जो चीजें होती हैं अपने हाथ में होती हैं, एनर्जी का बैलेंस बनाना है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हैव ए सिंगल डिटरमिन्ड माइंड एंड इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी 5 दिन आपको अपने ही फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। बता दिया आपको, 2 सेटिंग कर दी, आपकी 3री सेटिंग भी कर दी, शाम को भी देख लेना, ठीक है जी, और जो अच्छी चीजें उन्हीं में फोकस करना, प्लीज समझो मेरी बात, मेरी इंटेंसिटी को समझो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते रहे मैं जो बातें बोल रहा हूं, उसको सीखते नहीं हो आप, जो बहुत आराम से काम होगा, घबराऊंगा चीजों को, जो है एक बार माइंड हमारा डिटरमिनेट हो जाए, याद दिलाओ बार बार की अच्छी घटना याद दिलाओ, क्या मेरे साथ खराब हुआ था, कैसे मैं निकल के आया, कैसे निकल के आया, क्योंकि माइंड की नेचर है। मैं तो कहता हूं सोचो ही मत, अब भगवान बुद्ध थोड़ी ना है, हम जो है कि सोचेंगे नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, सोचेंगे तो क्यों ना अच्छे विचार सोचेंगे, हम ही तो सोच रहे हैं, हम ही तो सोच रहे हैं, तो अच्छे विचार सोचें, अच्छे विचार से क्या होता है एनर्जी बन जाती है, एनर्जी अच्छी बन जाती है तो आपका दिन सारा अच्छा कटेगा। तो बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ के अंदर एंजॉय करना, जॉयफुल होना है। मैंने तो कह ही दिया 5 दिन एज इफ लिव एज इफ यू आर लिविंग ऑन ए हॉलीडे ऑन ए रिसोर्ट। बॉडी का ख्याल रखो, एक्सरसाइज का, फूड से ख्याल रखो, आपके टेस्ट का, मिजाज का, म्यूजिक से आपके फिर मिजाज का ख्याल रखो, मतलब जो है इन सब का टाइम आ गया। पेरेंट्स को कहो मैं ये क्लिप सुनाओ, ये घर में अच्छा माहौल रखें, कोई बहुत सैड माहौल ना रखें, स्पिरिट माहौल रखें, कभी कभी एनिमेटेड मूवी लगाएं जो है हंसी मजाक करें, कोई मतलब हाय तो वासी ना जनरेट करेंगे, यार क्या हो गया, हाय राम जो है यार, आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी पुल ले जाती है, अगर आप थोड़े दुखवादी या सैडवादी होते, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूं, अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो, जैसे मेरी आंखों में एनर्जी आ रही है, आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ खींचते हो, किसकी, ब्रह्मांड की। कितनी बार बात कर चुका हूं एनर्जी की क्वालिटी नहीं होती, जैसे पानी की तरह होता है, पानी रे पानी दे रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा, ऐसी जो एनर्जी अवेलेबल है ब्रह्मांड के अंदर उसका कोई रंग नहीं होता है। अगर आपका मिजाज बहुत अच्छा है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी के अंदर। अगर आपका माइंड बहुत मायूस है, बहुत दुख हो, तो आपका दुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर भी जा रही है, वो एनर्जी का पुअर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड जो है, बी वेरी एंथुजियास्टिक एंड बी वेरी पॉजिटिव। योगा देखा जाएगा 27 तारीख की शाम को, अभी मत सोचो इस बारे में जो क्या होगा, हाय राम क्या होगा, सब अच्छा होगा, इतनी मेहनत करी है, मुड़ के देखो अपनी तरफ से, शीशे में खड़े हो जाओ, कौन बंदा सामने खड़ा है, आई होप यू नो कौन खड़ा है, मैं नहीं खड़ा हूँ वहां पे, साला ये 2 साल से तैयारी कर रहा है, जितनी भी ऊपर नीचे घटनाएं हुई है, नंबर कम आए, ज्यादा आए, ये आए, किसी ने कुछ कहा, स्कूल टीचरों ने कहा, ये कहा, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, और आई सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, ये वाली स्पिरिट चाहिए मुझे आपकी जो है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, मतलब जो है बहुत शॉर्ट टाइम मुझे दिया गया है बातचीत करने के लिए आपको जो है।
ठीक है जी, तो इन्हीं बातों को आपने ध्यान रखना है। हम सब आपके मतलब हम भी एक फैमिली हैं इस टाइम, आपकी आपके बायोलॉजिकल माँ बाप, हम, मैं, हमारे सब, मेरे सब भाई लोग, मेरे सब टीचर, मेरे दोस्त, विद्या मंदिर के सारे स्टाफ, इनफैक्ट सभी बच्चों को लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा से मतलब प्रार्थना करते हैं, परमात्मा जिसे कहते हैं, नेचर से करते हैं कि आप सबको स्ट्रेंथ दे, स्ट्रेंथ तो आपके पास है, आप सबको एक सुबुद्धि दे, एक विजडम दे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। हम भिखारी नहीं है स्टेज के ऊपर कि हम भीख मांग रहे हैं ईश्वर से कि हमें एनर्जी दे, एनर्जी ईश्वर ने दे रखी है आपको, आपको सिर्फ इतनी सुबुद्धि दे कि आप पहचान पाओगे यार हु एम आई, कि मैं 2 साल से मेहनत करने वाला बच्चा हूं, 3 साल से मेहनत करने वाला बच्चा हूं और मैं एग्जाम में अच्छा करके ही आऊंगा, ये शक्ति दे, यही प्रार्थना हम सब करते हैं आपसे जो है, ठीक है जी। और बिल्कुल परेशान ना रहे, ठीक है जी। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं, ठीक है जी, और प्रार्थना करता हूं कि आप सब इस 27 तारीख के एग्जाम को देसी भाषा में फोड़ के आओ और चक दे फटे। कुछ लोगों को टाइम काटने में प्रॉब्लम होती है, मैंने एक और वीडियो बना रखी है, लास्ट ईयर बनाई थी, इट वॉज ए 50 मिनट वीडियो, मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल डलवा दूंगा, कल डलवाऊंगा वो, उसको भी सुन लें, मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन करके सारी बातें बोली हैं, कम से कम 50 मिनट कट ही जाएंगे। कुछ लोगों की तो हालत ये है कि टाइम ही नहीं कट रहा है 5 दिन के अंदर जो है, तो उनके लिए मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है उसको ही वॉच कर सकते हैं, जैसे कि वो एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा जो है, ठीक है जी, फॉर बिलीविंग इन अस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फाइनली आपको उसी तरह से विश्वास रखना है जैसे हम विद्या मंदिर में अपने आप पे विश्वास रखते हैं, ऐसे विद्या मंदिर के सब बच्चों ने या सार के सब बच्चों को अपने विश्वास रखना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, चीयर्स, बाय।